नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेन चलाने की दी अनुमति। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा किए गए आग्रह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्पेशल ट्रेन के परिचालन की अनुमति दे दी है। खबरों की माने तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर हुई बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया है। वहीं प्रशासन को निर्देश जारी करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को करवाने की पहल की गई है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री के आदेश के बाद दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों की आवाजाही के निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद ही सभी राज्य सरकार ने विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर समेत अन्य के लिए बस के बजाय स्पेशल ट्रेन चलवाने की अपील की थी। जून जुलाई तक कोविड 19 के वैक्सीन आने की कितनी है संभावना? कोविड 19 के बढ़ते असर को देखते हुए कई वैज्ञानिक ने दावा किया है कि इसका असर जून जुलाई तक खत्म हो सकता है, बशर्ते वैक्सीन बनाने में सफलता मिल जाए। हालांकि कुछ देशों ने इसके इलाज को ढूंढ निकालने का दावा किया है, जिसमें अमेरिका का नाम सबसे ऊपर है। अमेरिका में एक ट्रायल हो चुका है, लेकिन बड़ी उम्मीद रेमडेसिविर से लगाई जा रही है। रेमडेसिविर का ट्रायल अमेरिका में कामयाबी के साथ हो गया है, जिससे कि मरीजों में कोविड 19 की वृद्धि को रोक दी जा रही है। हालांकि चीन ने इससे पहले रेमडेसिविर को रिजेक्ट कर दिया था, अब इसी को अमेरिका उम्मीद के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी कोविड 19 के इलाज को ढूंढने का काम कर रही है। पिछले दिनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम ने मानव पर कोविड 19 के इलाज का परीक्षण किया था, जिसके नतीजे जून तक आने की उम्मीद है। राज्य ने शुरू की अपने यहाँ से प्रवासियों को घर भेजने की पहल। मजदूर दिवस पर उन मजदूरों के लिए अच्छी खबर सामने आई है जो बंद के दौरान अपने घरों से दूसरे राज्यों में फंस गए हैं, जिसके तहत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, पंजाब और समेत कई राज्य सरकार ने पूरे प्रदेशों में फंसे अपने मजदूरों को निकालने की कवायद शुरू कर दी है। इन राज्यों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह सभी मजदूरों को बस के बजाय ट्रेनों से भेजने के प्रावधान पर ध्यान दे और जल्द ही इन सभी मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन का आयोजन करवाया जाए, ताकि इन मजदूरों को आसानी से इनके राज्य में भेजने की पहल की जा सके। क्योंकि बसों से लाने में कई तरह की समस्याएं हैं, जो कि बस चला करके लोगों को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से वापस लाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बसों में फिजिकल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 20 लोगों की आवाजाही हो पाएगी। ऐसे में इतनी भारी संख्या में लोगों को लाने में काफी लंबा समय लग सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती राज्य ने अपने लोगों को लाने के लिए बसों की सुविधा शुरू कर दी है। अमेरिकी नागरिकों ने कहा, अमेरिका से ज्यादा सुरक्षित है भारतीय। थिएटर एक्टिविस्ट टेरी जॉन कॉन्वर्स एक अमेरिकी नागरिक है जो कि बंद के समय में केरल के एक शहर में रह गए हैं, लेकिन उनके पास केरल हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है जो उन्हें 17 मई तक भारत में रहने की अनुमति दे रहा है। उनकी इच्छा अब यहाँ पर 6 महीने तक रहने की है और दूसरी बार है जब उनका वीजे की अवधि को बढ़ाई गई है। खबरों की माने तो पहली बार उनके वीजा को 27 मार्च से 25 अप्रैल तक बढ़ाया गया था, क्योंकि 24 मार्च को बंद के ऐलान जारी किए गए थे। वहीं अब 17 मई तक उनके भारत में रहने की अवधि को बढ़ा दिया गया है, जिस पर टेरी जॉन का कहना है कि अमेरिका के मुकाबले भारत में ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में कोविड 19 का असर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहां पर लोगों के बारे में ज्यादा सोचा जा रहा है और यहां काफी ज्यादा व्यवस्थित फैसले भी लिए जा रहे हैं, और यही कारण है कि कोविड 19 की रोकथाम में काफी कारगर साबित हो रहा है। डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर को मिली मजबूती। उक्त जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर को मजबूती देने के संबंध में हुई बैठक के दौरान कही है, जिसमें सशस्त्र बलों की जरूरत को ध्यान में रखकर कहा गया है, जिसके तहत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और कामकाज में सुधार लाने और रक्षा खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाने, संसाधनों का उचित आवंटन के अनुसंधान विकास और इनोवेशन को प्रोत्साहित, अति महत्वपूर्ण डिफेंस टेक्नोलॉजी में निवेश आकर्षित करने और निर्यात को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया गया है। जिसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास और विनिर्माण के लिए अपनी घरेलू क्षमताओं के निर्माण के लिए मेक इन इंडिया को आगे आने की भी अपील की है। मौलाना साद के मरकज से जुड़े बैंक खाते में खाड़ी देशों से भी होता था लेन देन। निजामुद्दीन में जमातियों को इकट्ठा करने के पीछे मौलाना साद के खिलाफ दिल्ली में जगह जगह पर कई तरह के मामले दर्ज है। वहीं मौलाना साद की जांच भी की जा रही है, लेकिन इसी बीच एक बैंक खाते का खुलासा हुआ है, जिसके बाद यह पता चला है कि निजामुद्दीन मरकज से जुड़े लोगों के बैंक खातों में खाड़ी देशों से भी पैसे का लेन देन होता था। इनके बैंक खातों में खाड़ी देशों से आए करोड़ों रुपए जमा है। यही नहीं, इन खातों में खाड़ी देशों से भी पैसे भेजे गए हैं, जिसकी जानकारी सीबीआई ने बीते दिन ईडी को दी है। यह भी पता चला है कि जिन लोगों के खातों में पैसे आते हैं वैसे भी मरकज से जुड़े हैं और मौलाना साद के करीबी हैं। वहीं सीबीआई के माने तो फिलहाल अलग अलग बैंकों में मरकज के खातों में अलग अलग देशों से लेन देन होता है, हालांकि इसमें मौलाना साद का बेटा भांजा शामिल नहीं है। ऐसे में सीबीआई ने इन खातों से लेन देन करने वालों की डिटेल निकालने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। ट्रंप ने खारिज की अमेरिका खुफिया विभाग की थ्योरी। बीते कई दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोविड 19 के बढ़ते असर को लेकर चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे, साथ ही चीन को इसके परिणाम को भुगतने के भी संकेत दे चुके हैं। इसी बीच कोविड 19 के फैलने के असल तथ्य को ढूंढने में लगाए गए अमेरिकी खुफिया विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मानने को तैयार नहीं
नहीं हो रहे हैं। अमेरिका के इंटेलिजेंस प्रमुख ने कहा है कि कोविड 19 मानव निर्मित जेनेटिक तौर पर मॉडिफाइड नहीं है। वहीं अपने ही विभाग की रिपोर्ट के उलट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर कायम है कि चीन के वुहान में ही कोविड 19 को तैयार किया गया है। इसके साथ ही चीन की गलती की वजह से कोविड 19 पूरी दुनिया की परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभाव देख रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि उन्होंने कई ऐसे सबूत देखे हैं जिससे पता चलता है कि कोविड 19 चीन में ही तैयार किया गया है। हालांकि इन बातों के सबूत के मांगे जाने पर उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं बता सकता। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बैठक। कोविड 19 के बढ़ते असर के कारण कई सारे निवेशक चीन छोड़कर अपने कारोबार को पूरी तरीके से वहां खत्म कर दूसरे देश में अपने कारोबार की स्थापना करना चाहते हैं, जिसको देखते हुए भारत ने इन निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश शुरू कर दी है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन बैठक का आयोजन करवाया था, जिसमें एक अधिकारी ने यह बताया है कि इस बैठक में एक बात पर चर्चा की गई है कि देश के मौजूदा और उद्योगी भूमि प्रखंड परिसर आदि में रखे हुए तैयार बुनियादी ढांचे पे काम को बढ़ावा देने के लिए एक योजना विकसित की जानी चाहिए और अन्य वित्तीय समर्थन भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मोदी ने बैठक के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि निवेशकों को बनाए रखने के लिए और उनकी समस्याओं को देखने तथा उन्हें समयबद्ध तरीके से सभी आवश्यक केंद्रीय और राज्य मंजूरियों को प्राप्त करने के मदद करने के लिए हर संभव कदम सक्रियता से उठाए जाने चाहिए। कोविड 19 के खिलाफ भारत के मुरीद हुए अमेरिकी सांसद। भारत में कोविड 19 की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की सराहना पूरी दुनिया भर में की जा रही है। वहीं कोविड 19 से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका भी भारत द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना कर रहा है, जिसके तहत अमेरिकी सांसद ने हाल ही में कोरोना के खिलाफ जारी जद्दोजहद में भारत ने एक नेता के तौर पर तेजी दिखाने की बात कही है। अमेरिकी सांसद ने यह भी कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत यूएस को HCQ की खेप भेजने में काफी तेज साबित हुआ था। इसके साथ ही भारत गणराज्य अमेरिका के सबसे करीबी और सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों में से एक है और हमारे रिश्ते ने हमेशा Washington DC में समर्थन का आनंद लिया है। उन्होंने आगे कहा कि मैं आभारी हूं कि भारत ने कोरोना के खिलाफ जारी जद्दोजहद में एक नेता के रूप में कदम रखा है और मुझे खुशी है कि इस समस्या के दौरान हमारी स्पेशल पार्टनरशिप मजबूत बनी हुई है। उत्तर कोरिया के किम जोंग से संबंधित खबर आई सामने। काफी लंबे समय से उत्तर कोरिया के प्रमुख किम जोंग को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही है। वहीं अब एक बार फिर से किम जोंग से संबंधित खबर सामने आई है, जिसके तहत लोकेशन के बारे में दावा किया गया है। दरअसल बीते दिन सैटेलाइट तस्वीरों को जारी किया गया है। तस्वीरों से यह पता चलता है कि किम जोंग का लग्जरी उनके पसंदीदा विला के पास है, इसलिए माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया के आसपास किसी रिजॉर्ट में किम जोंग रह रहे हैं। हालांकि अभी इस बात पर आशंकाएं जताई जा रही है। आपको बता दें, बीते कुछ समय से किम जोंग को लेकर ऐसी बातें आ रही थी कि शायद किम जोंग की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और यही कारण है कि काफी लंबे समय से किम मीडिया के सामने नहीं आए हैं। वहीं किम जोंग को लेकर अटकलों का दौर 15 अप्रैल को शुरू हुआ था, जब वह अपने दिवंगत दादा और उत्तर कोरिया के संस्थापक किम सुंग के जन्मदिवस समारोह में शामिल नहीं हुए थे। कोविड 19 के खिलाफ जारी जद्दोजहद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी आम नागरिकों से किए 5 आग्रह। भारत में इस समय कोविड 19 का असर काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसके तहत कुल मिलाकर भारत में प्रभावितों के आंकड़े में 35,000 से ज्यादा प्रभावितों की संख्या देखी गई है। वहीं इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी आम नागरिकों से 5 आग्रह किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि गरीबों को राशन के लिए अनवरत सेवा, दूसरे लोगों को कपड़ों का मास्क देना, कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद अभियान चलाना, आरोग्य सेतु डाउनलोड करना और इस ऐप पर अपनी जानकारी देना, वहीं पीएम केयर्स फंड में दान देना और दूसरों को भी प्रेरित करने का काम हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारत में लगातार कोविड 19 से निपटने के लिए काफी तेजी से काम किया जा रहा है, पूरी दुनिया में भारत के प्रयासों को सराहा जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार क्या भारत में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफल हो पाएंगे? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।